ये गाड़ी हमारी पहाड़ों पे चढ़ रही है। फ्रेंड हम आ गए अपनी सेकंड लोकेशन पर और मैं आपको दिखाता हूँ हमारी सेकंड लोकेशन कहाँ पर है। है ये राजस्थान में ही बट पहाड़ों के ऊपर माता रानी का मंदिर है। तो हम अब सेकंड लोकेशन हमारी वहाँ की है। तो हम वहाँ जा रहे हैं, देखो पहाड़ है, इस पहाड़ है, हम इन पहाड़ों के ऊपर जाएंगे। हमारी बस है और ये सब अभी खड़े हुए हैं बस से उतर उतर के। तो फ्रेंड फाइनली हम आ चुके हैं सेकंड लोकेशन पर, जो हमने आपके लिए सरप्राइज रखा था। ये है कोई चीन वाटिका। तो अभी हम ऊपर माता रानी का मंदिर है, माता रानी का मंदिर है, पहाड़ पे जाएंगे और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। पहाड़ का भी थोड़ा डेंजर है, ऐसा लग रहा है वैष्णो देवी आ गए। बोरा बोरा मंदिर सबसे ऊपर तो फ्रेंड आप देख सकते हैं वो है मंदिर। और बाकी हमारा वहाँ है और हम यहाँ पी रहे हैं चाय और वो खड़ी है हमारी बस और यहाँ सारी पब्लिक हमारी फैमिली के सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो चलते हैं हम ऊपर। तो हेलो फ्रेंड, हम दूसरे लैंड आ गए और ये मम्मी है। और ये भाभी है, कहाँ जा रही हो? भाभी खा रही है वो बताना। तो गाइस आप देख सकते हो कितने सारे पहाड़ है। ये एक मंदिर ना उस पहाड़ पे है। हाँ देख सकते हो कि कितना अच्छा व्यू है, कितने सारे पहाड़ है। ये देखो पहाड़ है और हम जा रहे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं। हाँ और ये हमें खाने का साथ लेके चलते हैं। हाँ और ये मंदिर है। हाँ पहाड़ के मंदिर जा रहे हैं। कुछ कहना चाहोगे मंदिर के बारे में? पहली बार खुद आया हूँ मैं, क्या कहना चाहूँगा, बहुत शक्तिशाली। इतना अच्छा मंदिर है। मम्मी आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं यात्रा। अभी हम आधा ही रास्ते आए और ये अभी से ही थक गए हैं सारे। मम्मी वो देखो मधुमक्खी का छत्ता। जय माता दी। Thank you.
है, पुराने जमाने की मूर्तियाँ हैं। और एक ये हम मंदिर में आ गए हैं, आप देख सकते हो और देखो देखो मैं आगे जा रही हूँ, देख सकते फोटो भैया प्रसाद की डेली खुली रहती है, जिससे आपका प्रसाद आराम चले और सामने माता के हाथ जोड़ते विधि करके आगे चले। तो अब हम भैरव मावा के मंदिर जा रहे हैं, फिर आप देख सकते हैं यहाँ से जा रहे हैं और ये आप देख सकते हो एक वहाँ पे ना मंदिर है, लेकिन वहाँ का रास्ता अब जाने में ना बहुत टाइम लग जाएगा, रात भी हो गई है। कोशिश करेंगे वहाँ जाने की और आपके दिखाएंगे कैसा है वो। फिलहाल तो हम भैरव बाबा मंदिर जा रहे हैं, वो देख के आएंगे। हमारे महादेव भैया छोटा सा मंदिर में कितना प्यारा है ना। फाइनली गाइस हमारी दोनों लोकेशन की यात्रा कंप्लीट हुई, हमने बहुत अच्छे से दर्शन करे दोनों ही जगह और दोनों ही जगह हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। फाइनली अब हम घर की ओर निकल रहे हैं, हम दिल्ली निकल रहे हैं राजस्थान से। अब हम खाना खा के सीधा बस में बैठेंगे, फिर हम दिल्ली के लिए निकल जाएंगे 5 बजे और मंदिर में दर्शन करके वापस आ गए हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मंदिर था ये, शेरावाली माता का मंदिर था। और हम खाटू श्याम गए थे, खाटू श्याम में भी बहुत मज़ा आया। आपको कितना मज़ा आया श्याम का? और ये माता रानी वाला भी अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। क्योंकि आजकल मंदिरों में अलाउड नहीं है, और खाटू श्याम में तो ये गार्ड ने फ़ोन भी ले लिया था, बहुत मतलब रिक्वेस्ट करके फ़ोन मांगा, क्योंकि अलाउड नहीं है हर किसी में। पर फिर भी आपके लिए हमने शूट करा, थोड़ा थोड़ा क्लिप करिए पर करिए। ये थोड़े पप्पी से खेल, ये पप्पी से खेल रही है, तो खेल ली पप्पी से, चलो बस के जाने के लिए भी यहाँ पर रास्ता बहुत दूर है, बहुत कठिन चल के जाना पड़ेगा बस के लिए भी। और आज सुबह से हम 7 बजे से घर से निकले हुए हैं, जब से हम यात्रा ही कर रहे हैं, चल ही रहे, पैर में इतना दर्द हो चुका है ना, एक्सप्लेन नहीं कर सकते कितना दर्द हो चुका है। अभी भी हम जा ही रहे हैं और अभी भी बहुत दूर बहुत दूर खड़ी है बस। मैं आपको यहाँ का वो दिखाती हूँ एरिया, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और आपको हमारी यात्रा कैसी लगी हो तो कमेंट करना, और कुछ गलतियाँ हमसे हुई होगी वो भी आप हमें बताना, और आपको हमारा टूर कैसा लगा वो भी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।